स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी समझाऊंगी और साथ में ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए बेटा लास्ट तक के, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा टाइट्रेशन जो है, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है, वो किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगी और साथ में ही इसी वीडियो में मैं आपको पूरा डेमो वीडियो भी देने वाली हूँ, ताकि आपको टाइट्रेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए, ऐसा ही एम जो है आपके एग्जाम में आपके लिए रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर एम है हमारा टू प्रिपेयर m/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट एंड विद द हेल्प ऑफ इट फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी ऑफ ए गिवन केमिनोफोर सॉल्यूशन। सेम अगर आपको मोर सॉल्ट और केमिनोफोर का अगर टाइट्रेशन मिला है, तो आपको इसी तरीके से जो है हमेशा एम आपको मिलेगा। सिर्फ चेंज कहाँ होता है बेटा, चेंज जो है वो होगा m/20 में। बहुत सारे क्या करते हैं कि m/20 को ही चेंज कर देते, जैसे किसी इसमें m/10 दे दिया, किसी इसमें m/15 दे दिया, कहीं पर m/25 दे दिया, कहीं पर m/30 दे दिया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चाहे आपके मोहर सॉल्ट की स्ट्रेंथ कुछ भी क्यों ना हो, आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको जैसे ही मिलता है, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और वो फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे वेट इन ग्राम्स अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू 1000 अपॉन, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 250 ml। बेटा आप याद रखिए, अगर आपके स्कूल में अगर आपको बोला गया है कि 100 ml में बनाना है, तो आप 100 ml में बनाइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 250 ml ही बता रही हूँ। अगर आपके टीचर आपके जो है वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का अगर वो चेंज करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। मैं आज आपको 250 ml में ही बनाना सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ 250 ml लिखा है। फिर आपको क्या करना है, ये मोलारिटी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है m/20, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1/20। अब आप ध्यान रखिए, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर 1/10 रहा, तो आप यहाँ पर 1/10, इवन डेसिमल में भी अगर रहा, 0.01 रहा या 0.03 रहा, कुछ भी हो सकता है, तो वो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। वो वैल्यू लिखने के बाद में आप वेट इन ग्राम्स ही हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्स, और फिर मोलार मास ऑफ मोर सॉल्ट कितना होता है, 392, ये चेंज नहीं होने वाला है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे 1000 upon 250। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू जो आती है वो होती है 4.9 ग्राम। कितना आया हमारा, 4.9 ग्राम। तो अभी जो हम सॉल्ट लेने वाले हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो उसमें हम सॉल्ट लेंगे 4.9 ग्राम। जब अगर आपको m/30 मिलता है, तो आप 1/30 लिखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उतना ही सॉल्ट आप वे करेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता। क्लियर? तो आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू प्रॉपर तरीके से पुट करना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं आपको वेइंग बैलेंस की तरफ लेकर चलती हूँ। मैंने देख लिया था कि किस तरीके से हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं अमोनियम फेरस सल्फेट का, जिसे हम मोर सॉल्ट भी कहते हैं। तो जैसे आपने कैलकुलेट किया, अब आपको क्या करना है, आपके लेबोरेटरी में भी आपको इस तरीके का वेइंग बैलेंस मिलेगा, और यहाँ पर एक वॉच ग्लास रहेगी, और साथ में ही हमने यही सॉल्ट जो है इस चाइना डिश में निकाल लिया है। अब देखिए, इसको हैंडल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम इसको जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप ऑन करोगे, तो सबसे पहले तो ये सेट होगा 0 पे। सेट होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही ये सेट हो जाता है, आपको एक वॉच ग्लास लेनी है, और वॉच ग्लास आप इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर वॉच ग्लास रख देते हो, यहाँ पर वेट आ जाता है वॉच ग्लास का, और ये वॉच ग्लास का वेट आप नोट डाउन करके रखिए, और उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे मेजरमेंट एज अ 0। फिर जैसे ही आपने इसको 0 कर दिया है, फिर आपके पास में जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम पोर करना स्टार्ट करेंगे जितना कि हमारा वेट है। जैसे कि हमने m/20 के लिए कैलकुलेट किया था, हमारा वेट जो आ रहा है वो है 4.9 ग्राम। सो अगर आपके एग्जाम में आपको m/20 मिलता है, m/30 मिलता है, 25 मिलता है, या फिर 10 मिलता है, तो आप उसका वेट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और हमारे वेइंग बैलेंस पे हम इसको इस तरीके से जो है मेजरमेंट कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पर सॉल्ट लेने वाली हूँ 4.9 ग्राम, और 4.9 ग्राम जैसे ही हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्दर प्रोसीजर, और वो होगा हाउ टू प्रिपेयर
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से मेजर करिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हम कम करके एग्जैक्ट मेजर उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, ताकि हमारे रीडिंग्स जो है वो प्रॉपर आए, हमारे रीडिंग्स में कोई भी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा कम और ज़्यादा करते हुए इसको मेजरमेंट जो है हम वो ले लेंगे, और हमें चाहिए रहेगा यहाँ पे 4.9, ठीक है। 4.9 हमारा आंसर था हमारा। अगर पॉइंट आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको करने में, बट नो इशू बेटा, आप ध्यान से करिए ताकि आपका मेजरमेंट एग्जैक्ट आए, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेजरमेंट आया है वो एग्जैक्ट हमारा 4.90 है, या फिर आप हमने इसको कितना लिया है मैक्सिमम 4.89, देखिए 4.90। तो ये हमारा रेडी हो गया है। सो वी हैव डन विद द मेजरिंग ऑफ सॉल्ट, और ये सॉल्ट हमने मेजर करके लाया था। अब हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए बेटा हमारे पास में ये फ्लास्क होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। इस स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क का जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 250 ml, और हमने कैलकुलेशन में भी 250 ml ही लिया था, ठीक है। तो अभी हमने ये स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क ले लिया है, साथ में हमारे पास में फनल है, और हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, और ये जो है ये हमारे पास में वॉश बॉटल है में हमने वाटर फिल करके रखा हुआ है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फनल जो है, फनल आप इस स्टैंडर्ड फ्लास्क के ऊपर रखेंगे। फनल जैसे ही आप स्टैंडर्ड फ्लास्क के ऊपर रखेंगे, फिर हमें क्या करना है, ये सॉल्ट जो यहाँ रखा हुआ है, ये सॉल्ट हमें इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा उसमें पोर करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये इस तरीके से, देखो मैं कंप्लीट सॉल्ट जो है मैं इसमें पोर करना स्टार्ट कर देती हूँ इस यहाँ ऐसे ऐसे। अगर इनकेस अगर आपका सॉल्ट उसमें रह भी जाता है तो नो इशू, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से पोर करके आप रख सकते हैं। बट आप यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ पर फिर स्टिल सम सॉल्ट इज, यहाँ पर अगर कुछ स्टिक है सॉल्ट तो आप इस ट्रांसफ़र कीजिए। सॉल्ट ट्रांसफ़र करने के बाद में आपको क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की 2-3 ड्रॉप्स जो है मैं इसमें पोर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू आर पोरिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 2-3 ड्रॉप, है ना। तो यहाँ पर हमने 2-3 ड्रॉप जो है इसमें पोर कर दिया है। इसमें पोर करने के बाद में अब हम इसमें पोर करने वाले हैं वाटर, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से हम जो है इस पे वाटर जो है वो पोर करते चलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसमें वाटर पोर करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा यहाँ पर बेटा, जैसे ही वाटर पोर करना स्टार्ट करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज होगा। हमें पता है कि हम एक फेरस सॉल्ट जो है यूज़ कर रहे हैं, राइट, हम फेरस सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो फेरस सॉल्ट जब यूज़ करते हैं तो जैसे ही वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मेन मिशन यही होता है कि आपको जब आप इस बनाते हैं सॉल्यूशन तो आपका सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से प्रॉपरली डिजॉल्व करेंगे। प्रॉपरली डिजॉल्व करने के बाद में आप देख सकते हो कि सॉल्ट जो है ये इस तरीके से डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब सॉल्ट डिजॉल्व होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक स्टैंडर्ड फ्लास्क पे एक मार्क बना हुआ रहता है ना। मैं थोड़ा सा क्लोज ला के आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस फ्लास्क पे यहाँ पर जो है ये मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो हर एक फ्लास्क पे अगर आप देखोगे तो ये मार्क बना हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्क यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें हमें वाटर पोर करना है। ये 250 ml का ही है तो हम अलग से मेजर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फनल हम इसमें पोर कर सकते। और हमें पोर कब तक करना है, जब तक कि वो उस मार्क तक ना पहुँच जाए, ठीक है। जब मार्क में पहुंच जाएगा उससे हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, और केयरफुल रहकर ही हम करेंगे, बिकॉज हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोअर मेनिस्कस है शुड टच दैट फ्लास्क टू शुड टच दैट पर्टिकुलर लाइन। जब वो उस लाइन को टच कर लेगी इट मीन्स वहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको और क्लोजली दिखा देती हूँ कि जो हमारी मार्क्ड लाइन थी उसी लाइन से जो है ये टच हो रहा है यहाँ तक की। तो ये जो हमारा सोल्यूशन बना है इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर किस तरीके से की जाती है। सो स्टूडेंट्स सी हाउ वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसमें ब्यूरेट में जो है इस तरीके से ब्यूरेट में हम केमेनोफोर फिल करते हैं। इस तरीके से हम इसमें केमेनोफोर फिल कर देंगे। नीचे आपको देखना है कि नॉब बंद होना चाहिए,
फिर जब आप केमिनोफोर को फिल करते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़ीरो मार्क से थोड़ा सा ऊपर फिल कीजिए, और हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ज़ीरो मार्क तक के हम इसको सेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हम नीचे से केमिनोफोर सॉल्यूशन को निकाल के, ठीक है, ये हो गया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर दीजिए। अब बेटा जैसे कि हमने ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था, हम इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को आप क्या करना है, आप पिपेट के हेल्प से आप इसको पिपेट आउट भी कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारा छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर है इससे भी ले सकते हैं। अगर आप हैबिचुअल नहीं है पिपेट यूज़ करने के, तो आप डायरेक्टली जो है आप इस इससे भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए पिपेट को यूज़ कैसे करना है, आप क्या करेंगे, इस पिपेट को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद में आप इसको पिपेट आउट करेंगे। आप देख सकते हो जब मैं इसको पिपेट आउट किया तो मैंने यहाँ पर अपना जो है फर्स्ट इंडेक्स फिंगर यूज़ किया है। इंडेक्स फिंगर यूज़ करने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन इसमें रन डाउन कीजिए। जब आप रन डाउन करोगे तो हर एक पिपेट पे एक मार्क बना रहता है, तो उस मार्क पे हम क्या करने वाले, उसी मार्क तक के इस सॉल्यूशन को लाएंगे। जैसे इस पिपेट में यहाँ तक के दिया हुआ है, तो मैंने एग्जैक्टली वही तक के सॉल्यूशन इसमें लिया। और ये सॉल्यूशन लेने के बाद में हमने ये जो हमारा टाइट्रेशन फ्लास्क है, इस टाइट्रेशन फ्लास्क में जैसे ही मैं इसको अपने इंडेक्स फिंगर को हटा देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, इसमें इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद में बेटा आपको क्या करना है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर सिंपली आपने ये सॉल्यूशन आप इस स्टैंडर्ड मेजरिंग जो फ्लास्क का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आप इस मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे, और 10 ml इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से 10 ml निकाल के फिर आप इसमें पोर करेंगे, बट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए मैं अब क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं 1 full test tube ऑफ 4N H2SO4 मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। सो 4N H2SO4 हमने यहाँ इसमें लिया, ठीक। और कितना लेना है हमें, हमें लेना है 1 full test tube, क्योंकि हम केमेनोफोर को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एसिडिक मीडियम में ये एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता है। फिर हमने क्या किया, ये जो हमने फुल टेस्ट ट्यूब 4N H2SO4 लिया था वो हमने इसमें पोर कर दिया है। पोर करने के बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इसके नीचे रख, स्टूडेंट अभी हमने क्या किया था, इसमें हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है और उसके बाद में 4N H2SO4 पोर किया है, ठीक है, 1 test tube। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इसके नीचे रखेंगे और हम यहाँ से इसको इस तरीके से ऐड करते चलेंगे केमिनोफोर। आपको केमिनोफोर ऐड करते समय एक ध्यान रखना है बेटा, कि जब आप केमिनोफोर ऐड करेंगे तब आप देखिएगा कि इसको केमिनोफोर थोड़ा सा ऐड करने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, हम इस तरीके से इसको स्वर्ल करते रहेंगे। स्वर्ल करते रहिए बेटा, जब आप स्वर्ल करते रहेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन इज कलरलेस टू लाइट पिंक। कलरलेस टू लाइट पिंक ही हमारा इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डालते चलेंगे और इसको स्वर्ल भी करते चलेंगे। जैसे ही आप इसको स्वर्ल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको स्वर्ल करते हैं तब आप देखोगे कि वो कलर जो है वो डिसअपियर होते जा रहा है। हमें ये एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक कि हमें लाइट पिंक कलर ना मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कलर आया है ये काफ़ी डार्क आया है, बट हमें डार्क कलर नहीं, हमें लाइट पिंक कलर चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखा देती हूँ। सो देखिए ये है हमारा लाइट पिंक। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि एग्जैक्टली लाइट पिंक किस तरीके से होता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमने पिपेट आउट किया था, पिपेट से अब हमने सिंपली इसमें जो है सॉल्यूशन ले लिया है और अब हम इसमें पोर करेंगे। पोर करने के बाद में हमें ऐड करना है 4N H2SO4। तो हमने यहाँ पर 4N H2SO4 ले लिया है फुल टेस्ट ट्यूब, और 4N H2SO4 फुल टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में हम इसको इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 4N H2SO4 ऐड करने के बाद में अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये चॉइस आपके ऊपर होती है कि या तो आप इसको फिर से जीरो मार्क तक फिल कर सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने फर्स्ट रीडिंग स्टॉप की थी आप सेकेंड रीडिंग वहीं से ले सकते हैं। जैसे मेरी फर्स्ट रीडिंग यहाँ पर आई थी 9.4, तो अभी मैं सेकेंड रीडिंग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरी क्या होगी, इनिशियल रीडिंग होगी। तो हमारा जैसे हमारा पहले भी प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन ऐड करते चलेंगे और उसको स्वर्ल करते चलेंगे। और हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें लाइट
पिंक कलर नहीं मिले, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट लाइट पिंक कलर किस तरीके से हमें मिल सकता है। हमें जैसे ये मेरी सेकंड रीडिंग है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा पहला 9.12 के पास आया था, इट मींस जैसे ही 16-17 आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका सेकेंड रीडिंग भी उसी इंटरवल में आ जाएगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप देख लो, यहाँ पे इस तरीके से हम 1-1 ड्रॉप भी ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर एकदम लाइट पिंक कलर देखना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है उसका जो है कलर थोड़ा सा डार्क आया है। बट एग्ज़ाम में जब आप करेंगे तब आपको उसका बिल्कुल लाइट पिंक कलर ही लेकर आना है बेटा, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमें चाहिए बिल्कुल लाइट पिंक कलर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस देखिए कर रही हूँ। जैसे ही लाइट पिंक आएगा, हम इस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर आप देखो, ऐड किया हमने, हमारे पास लाइट पिंक आते ही हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये है हमारा एग्जैक्ट कलर। सो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो दो डिफरेंट कलर, क्लियरली देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग है, और फर्स्ट रीडिंग में हमारा काफ़ी डार्क आया था, और सेकंड रीडिंग से ये हमारा लाइट पिंक आया है, और यही हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन टेबल में इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हुआ, ये हमारा सेकेंड रीडिंग है, इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ रीडिंग भी लेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन पार्ट किस तरीके से किया जाता है। अब हम समझते हैं कि पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि रीडिंग्स इस तरीके से ली जाती है, तो आपने फर्स्ट रीडिंग ली, आपको थोड़ा डार्क कलर मिला, फिर आपने सेकंड रीडिंग ली जिसमें आपको लाइट पिंक कलर मिला है, तो अब आपको थर्ड और फोर्थ भी रीडिंग लेना है जिसमें आपको वैसे ही सेम लाइट पिंक कलर आना चाहिए। तो अब ये जो है हमारा, इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन टेबल एग्जाम में भी लिखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वेट ऑफ वॉच ग्लास, आपने ऑलरेडी जैसे मैंने मेजर करते समय दिखाया था, तो वेट ऑफ वॉच ग्लास आप नोट डाउन करके रखेंगे, साथ में उसमें ऐड करेंगे वेट ऑफ सॉल्ट भी। इसके बाद में जैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया था बेटा, जैसे अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया था, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो थी हमारी 9.8, ठीक है। हमारी फर्स्ट वैल्यू 9.8 आई थी, तो हमने फाइनल रीडिंग में उसको 9.8 लिखा। और ये याद रखिए, ये जो रीडिंग्स हम लिख रहे हैं ये हम ब्यूरेट की रीडिंग्स ले रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.8, ठीक है, 9.8 आ गया। और इस वक्त पे हमने मोहर सॉल्ट कितना लिया था, हमने मोहर सॉल्ट 10 ml लिया था, क्लियर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, पिपेट आउट करके भी दिखाया था कि 10 ml हो सकता है, या तो फिर हमने एक छोटा मेजरिंग फ्लास्क भी, हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया था जिससे हमने मेजर किया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग हमारी डार्क डेट। अब सेकेंड रीडिंग जब हमने 9.8 से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आप 9.8 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप जीरो पे भी फिल कर सकते हो। अगर आप जीरो से फिल करते हो तो आप यहाँ जीरो लिखेंगे, और मैंने 9.8 से स्टार्ट किया था इसीलिए मैंने 9.8 लिया है। तो ये मेरी रीडिंग जो आई है वो आई है यहाँ पर 8.3। तो जब मैं फाइनल माइनस 18.3, जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है आंसर एज अ 9. चलिए इसको कर लेते हैं 8। सो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और ये आ जाएगा 8.5, ठीक है। अब ये हो गया, अब आपने क्या कर सकते हैं, थर्ड रीडिंग जो आपने स्टार्ट करी वो आपकी 18.3 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी एक फाइनल रीडिंग आएगी, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से। और हो सकता है जब आपने ये किया तो आपकी वैल्यू जो आ रही है ये यहाँ पर हो रही है 9.6 आ रही है, और सेकेंड भी आपकी 9.6 आ रही है। तो देखो बेटा, यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, और हर बार जो है हमने यहाँ पर 10 ml ही लिया है, ठीक है, n 10 ml। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू रहेगी, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू रहेगी। तो ये मैंने वैल्यू कैसे किया है, कैलकुलेट किया है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो वैल्यूज़ आपकी आ रही है, इन वैल्यूज़ में से जो रिपीटिंग वैल्यूज़ रहेगी, कॉन्कॉर्डेंट मतलब क्या होगी कि रिपीटेड वैल्यू, जो रिपीटेड वैल्यू जो रहेगी वो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर 9.6 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल जिसमें हमारी वैल्यू आई है 9.6। अब इसका मैं बता रही हूँ कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। सो ये सभी चीज़ें आपके फाइनल कॉपी में आपको लिखना है, कैलकुलेशन।
सो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो अब याद रखिए M1 क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर, और V1 होता है वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर, और यहाँ पर ये होता है मोहर्स सॉल्ट, ठीक है, मोहर्स सॉल्ट की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मोहर्स सॉल्ट, और N1 और N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इन अ केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन देखोगे तो केमिकल इक्वेशन में ये कितने मोल्स ऑफ केमेनोफोर रिएक्टेड विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोहर्स सॉल्ट, ठीक है, ये होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे M1 जो है हमें कैलकुलेट करना है, V1 मतलब ये होती है आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, तो मैंने यहाँ पर 9.6 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर V1 मतलब आपको कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ही लेना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर आपने यूज किया है, ठीक। उसके बाद में आता है मोलैरिटी, ये मोलैरिटी जो है क्वेश्चन में दी रहेगी, जैसे यह हमने देखा था बिगिनिंग में कि क्वेश्चन में मोलैरिटी जो दी गई थी वो थी 1/20, तो मैंने यहाँ लिख लिया वॉल्यूम ऑफ मोहर्स सॉल्ट। तो वॉल्यूम ऑफ मोहर्स सॉल्ट हर बार हमने 10 किया है यूज, इसलिए मैं 10 लिखूंगी, इज इक्वल टू N1/N2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 2/10, ठीक है। तो आप इसमें सभी वैल्यूज पुट कीजिए और फाइनली आंसर निकालेंगे आप M1 का, ठीक है। तो ये आपका M1 मतलब मोलैरिटी की वैल्यू आप निकालेंगे, और बेटा उसके बाद में हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर। हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। तो स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले हमें मोलैरिटी लिखनी रहती है, मोलैरिटी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी कंसिडर इट एज अ एक्स, तो एक्स वैल्यू यहाँ लिखेंगे इन टू यहाँ पर रहेगा मोलार मास, क्या रहेगा मोलार मास किसका, केमेनोफोर का। तो मोलार मास ऑफ केमेनोफोर होता है 158, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा ग्राम पर लीटर में। और बेटा अगर आप इस तरीके से अपना पूरा प्रैक्टिकल करते हैं तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन टाइट्रेशन, आपको टाइट्रेशन में फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप इसी के साथ में अगर सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो नोबडी विल स्टॉप यू टू गेट 15 out of 15 इन प्रैक्टिकल्स। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो मैंने आज पढ़ाया, डेमो करके दिखाया, ये आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी को ये हेल्पफुल लगा होगा। तो स्टूडेंट्स आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसमें इसको शेयर कीजिए, ताकि जो मैं इतना एफर्ट्स ले रही हूँ प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए, तो मेरा एक ही मोटिव है कि हर बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले। तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑक्सैलिक एसिड का भी प्रैक्टिकल अगर आपको करके दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Thank you students and have a good day ahead.